बॉडी बिल्डिंग के दो नियम है। पहला, पसीना बहाना छोड़ना मत कभी, और दूसरा, कभी इस पहले नियम को भूलना मत, क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी वो जगह है जहां पर बॉडी बिल्डर हार्डवर्क से पहले आता है। सुनो, जवान हो ना तुम तो जवान की तरह दिखो। डेली का एक घंटा पसीना बहाना तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है, और एक घंटा पूरे दिन का सिर्फ 4% टाइम होता है। रिजल्ट एक रात में नहीं आता, कई वर्कआउट सेशन लगते हैं। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूँ। अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो, इसकी दीवारें मजबूत बनाओ। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन बिग बाइसेप भी। कुछ लोग चाहते हैं कि बॉडी अपने आप बन जाएगी, और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप बॉडी बनने के सपने को छोड़कर खुद अपने लिए पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाते हैं। वो क्या है जो रियल लाइफ में एक बॉडी बिल्डर और नॉर्मल इंसान को अलग बनाता है? मैं बताता हूँ। जब उसकी बॉडी दर्द करने लगती है, उसके बाद की मेहनत ही तुम्हें बॉडी बिल्डर बनाती है। जब दुनिया सुबह 4 बजे नींद के आगोश में